आपको चार गाली देने वाला अगली बार आठ गाली कब देगा, जब आपके ऊपर उन चार गालियों का इफेक्ट पड़ा था। अगर आप उन उसकी पिछली चार गालियों से दुखी नहीं हुए हो, रोए नहीं हो, बल्कि शांत हो, अपने कार्य से, अपने एक्शन से, अपनी प्रगति से, अपने प्रोग्रेस से शौक करते सबके बोलते पर टाइम लगता है, मेहनत लगती है, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, रात को लेट सोना पड़ेगा, अपने ये छोटी छोटी चीजों से उलझना बंद करना पड़ेगा, मेहनत लगेगी लेकिन काम बन जाएगा। हम फ्रूट्स तो चाहते हैं, रूट्स पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। नंबर तो आ जाए मेरे 80%, पढ़ाई मैंने नहीं करनी, बनूंगी डॉक्टर पर पढ़ना नहीं, नहीं कोई चीजों को मैं समझे। तैयार हो जाए जवाब देने के लिए। और एक नारी के अंदर वो शक्ति है जो ठान ले ना भगवान को भी ला दे। समझ रही है मैं कितने कितने एग्जांपल दूं आपको। नारी वो है जो जो यमराज के पास जाकर अपने पति के प्राण भी ला सकती है। नारी वो है जो ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना सकती है। नारी वो है जो पूरी दुनिया को हिला सकती है। याद रखना ना, ये जो सिखा दिया गया है ना कि तेरे को एक सारी की तलाश है, तेरे को एक सारी की तलाश है, तेरे को पक्का कर लिया हमने, हाँ मुझे सारी की तलाश है, बिना सारी के तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे एक नाटक आता था कलर्स चैनल के ऊपर महाकाली, उसके अंदर बड़ा अच्छा मेरे को डायलॉग था, भगवान शिव उसके अंदर बोलते थे कि नारी यदि शंका त्याग दे तो वो खुद शंकर बन जाती है, ये जरा सी शंका नहीं। नारी हमेशा किसी भी प्रॉब्लम आने पे, दुख आने पे पुरुष की तरफ सहायता के लिए जाए क्यों रही है। अरे पुरुष तेरे तेरे को असिस्ट करने के लिए है, तो सृष्टि चलनी है तेरे से, तो जो काम भगवान कर सकते हैं वो काम माँ का होता है दुनिया को चलाने का। ये जो सिखा दिया ना तो कमजोर है, तो कमजोर है, तो कमजोर है, अरे ये हमने पक्का मान लिया कि हाँ मैं कमजोर नहीं। जो माता पिता आपको आपको लग रहा है ना कि मेरे मम्मी पापा तो बस मेरे को कहीं बांध देंगे, कोई ये कर देंगे, क्यों कर देंगे, क्योंकि आपने अपना स्टैंडिंग है। आपको जो ये कॉलेज में भेजा जा रहा है किस चीज के लिए भेजा जा रहा है, सारी दुनिया का आपके पास ध्यान आ जाए, पैसे का, कमाई का, टैलेंट का, उसके बाद तो सड़क पे छोड़ दो, राज करके दिखा दो, अंदर जुनून तो हो।